Asalaamu Alaikum, viewers, and welcome to my channel Study Law with Pushtra. So, in today's video, we are going to discuss the topic of injunctions and its several kinds. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So, let's move towards the discussion.

सो so नॉर्मली अगर हम देखें तो जब भी हम एक केस फाइल करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो हम देखते हैं कि वो सूट उस सूट का डिसीज़न आने तक एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होता है और इस लेंथी प्रोसीजर में काफी टाइम भी वेस्ट हो जाता है और अगर ये सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन जरूरी हो जाती है टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट यानी कि जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता इट इज नेसेसरी टू कीप दैट प्रॉपर्टी इन और अगर कंडीशंस किसी भी पार्टीज की तरफ से लगाई गई हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी पार्टी को बल लॉस कॉज ना हो जाए अब ये इिपेयर लॉस क्या है कोई भी ऐसा लॉस विच कैन नॉट कंपनसेटेड इन इन दी फॉर्म ऑफ मनी हम उसको मॉनिटरी कंपनसेशन नहीं दे सकते सो so, पार्टीज को इस किस्म के लॉस से बचाने के लिए प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखने के लिए कोर्ट एक ऑर्डर इश्यू करती है ताकि वो उस प्रॉपर्टी का स्टेटस मेंटेन कर सके इस ऑर्डर को हम कहते हैं इंजंक्शन मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी कहीं इंजंक्शन की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में क्या वर्ड आता है स्टे ऑर्डर इसको हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं जिसको उर्दू में कहा जाता है हुक्म इम्तनाई यानी कि आप कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर लेकर आते हो कोर्ट एक ऑर्डर इशू करती है ताकि अगले बंदे को रोका जा सके इम्तनाई यानी अगले बंदे को आप प्रिवेंट कर सको उसे प्रोहिबिट कर सको सो so, अगर हम इस इंजंक्शन को डिफाइन करें सिंपली इंजंक्शन मीन्स इंजंक्शन इज एनी जुडिशियल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग एनी एक्ट यानी कि ये एक ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसमें कोर्ट एक ऑर्डर इश्यू करती है किसी भी पार्टी को इधर प्लेटिव और इधर डिफेंडेंट और किस सिलसिले में इशू करती है टू डू और नॉट टू डू एनी यानी उनको किसी काम के करने का कहा जा सके या किसी काम के करने से रोका जा सके अब ये टू डू और नॉट टू डू वाली बात अगर आप देखें तो ये हमने रिट में भी यही चीज पढ़ी थी सो so, ये रिट से भी रिलेट करती है यानी कि कोई भी ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसमें कोर्ट किसी पार्टी को किसी काम के करने का हुक्म देती है या किसी काम से रोक रही है या फिर अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं दैट इंजंक्शन इज एनी ऑर्डर बाय विच पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग एनी रॉन्गफुल एक्ट यानी कि आप एक बंदे को रोक रहे हो कि वो किसी रॉन्गफुल एक्ट को कमिट ना करे यानी कि अगर वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने जा रहा है तो उससे उसे रोका जा सके सो so, इंजंक्शन कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है जो किसी भी स्टेज पर इशू किया जा सकता है केस फाइल करने के बाद स्टार्ट में या केस फाइल करने के बाद या उसके मिड में कभी भी इशू किया जा सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस को ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और वी कैन से दैट टिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट यानी कि आप ये ऑर्डर कोड किसी भी स्टेज पर इशू कर सकती है ताकि एक प्रॉपर्टी का स्टेटस मेंटेन किया जा सके जब तक के उस केस का उस सूट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता सो so, उस वक्त ये इंजंक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है फॉर मेंटेनिंग दी स्टेटस को ऑफ दी प्रॉपर्टी अब इस इंजंक्शन की डिफरेंट काइंड है जो कि हमने आज की वीडियो का हमारा मेन पार्ट है फोर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजंक्शन आर देयर नंबर वन temporary injunctions number 2 perpetual injunctions and number 3 prohibitory injunctions perpetual injunctions को हम permanent injunctions भी कहते हैं ये एक ही वर्ड है जहां परपचुअल आएगा या परमानेंट वो एक ही बात है एंड द लास्ट वन इज इंजंक्शन दीज आर डिफरेंट काइंड इंजंक्शन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एटीन सेवन डिफरेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया गया है लेकिन हम चूंकि जनरली इंजंक्शन को पढ़ रहे हैं सो वन बाई वन में आपको बताती हूँ की जनरली इन इंजंक्शन का मतलब क्या है सो लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स सबसे पहले आती है हमारे पास टेम्प्ररी इंजंक्शन जिसको हम कहते हैं आर सी हुक्मे इम्तनाई अब देखना यह है कि ये कब इशू की जाती है जब आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई सूट फाइल करते हो और वो सूट फाइल करने के बाद अगर उस सूट का ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ यानी कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन दी जा सके तो उस प्रोटेक्शन देने के लिए आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर डिमांड करते हो ताकि अब आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन किस तरह से होगी ताकि दूसरी पार्टी आपकी इस प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का कोई भी राइट एक्सरसाइज ना कर सके यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर सेकेंड पार्टी ना किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन कर सके ना उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल कर सके या और किसी भी किस्म का कोई भी राइट एक्सरसाइज ना कर सके सो आप ये कोर्ट से डिमांड कर रहे हो कि जब तक मेरे केस का प्रॉपर फैसला नहीं आता फाइनल डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दी जा सके सो आप कोर्ट से डिमांड करते हो कि इस प्रोटेक्शन के लिए आप स्टे ऑर्डर इश्यू करें तो फिर कोर्ट क्या करती है कि वो आपको टेम्प्री इंजंक्शन ग्रांट कर देती है टेम्प्ररी ऑर्डर इशू कर देती है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट यानी कि जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता उसके बाद ये थी टेम्प्ररी इंजंक्शन उसके बाद आती है हमारे पास परपिचुअल इंजंक्शन जिसको हम परमानेंट इंजंक्शन भी कहते हैं Temporary injunctions में हमने बात की कि ये टेम्प्रीजं के लिए कोई आरजी ऑर्डर कोर्ट इशू करती है लेकिन जो परमानेंट इंजंक्शन है इसका जो इफेक्ट है ये फॉर है यानी कि जब एक बार कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया परमानेंट इंजंक्शन इशू कर दी तो उसका इफेक्ट हमेशा रहेगा यानी कि वो दूसरी पार्टी बाउंड है कि वो इस फैसले को फॉलो करेगी अब परमानेंट इंजंक्शन क्या है, आपने में किया, है। उसके बाद जब इस सूट का ट्रायल स्टार्ट हुआ ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए एविडेंसेस रिकॉर्ड होने के बाद जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया दैट व्हाट वाज द मैटर इन क्वेश्चन तो उसके बाद फाइनल डिसीजन में जब कोर्ट कोई भी ऑर्डर इशू करेगी कोई परमानेंट इंजंक्शन इशू करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे ये क्या है परपिचुअल इंजंक्शन और ये हमेशा कोर्ट के फाइनल डिसीजन के साथ इशू की जाती हैं। उससे पहले आप परमानेंट इंजंक्शन या परपिचुअल इंजंक्शन्स ग्रांट नहीं कर सकते और जब परपिचुअल इंजंक्शन्स ग्रांट हो गई तो उसके बाद इसका इफेक्ट फॉर रहेगा थर्ड आता है हमारे पास प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस नाम से ही जाहिर है प्रोहिबिट से निकला है यानी कि आप किसी बंदे को रोक रहे हो प्रोहिबिट कर रहे हो सो so, ये क्या होती है कौन सी इंजंक्शन होती हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस इज सच टाइप ऑफ इंजंक्शन इन विच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट कि आप किसी पार्टी को रोक रहे हो कोर्ट ये इंजंक्शन ग्रांट कर रही है ताकि वो दूसरी पार्टी को कोई भी एक्ट परफॉर्म करने से रोक रही है अब यहां ये जो बात हुई है प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उस प्रॉपर्टी पे अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे सेकेंड पर्सन आके किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है या फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है या फिर वो उसकी इलीगल पोजेशन में लेना चाह रहे है उस प्रॉपर्टी को सो इस तमाम एक्ट्स को रोकने के लिए कोर्ट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ग्रांट करती है ताकि उस प्रॉपर्टी के स्टेटस को मेनटेन किया जा सके उसके बाद जो लास्ट में आती है हमारे पास वो है मैंडेटरी इंजंक्शन मैंडेटरी नाम से ही जाहिर है कि आपको किसी चीज के करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट एक्ट यू आर बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट सो मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है इट इज टाइप ऑफ इंजंक्शन इस टाइप ऑफ इंजंक्शन में क्या होता है कोर्ट एक ऑर्डर इश्यू करती है किसी भी पार्टी को इन ऑर्डर टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे यानी कि किसी मखसूस काम को करने के लिए कोर्ट किसी भी पार्टी को कोई भी ऑर्डर इश्यू कर रही हो और वो पार्टी बाउंड है कि वो इस एक्ट को परफॉर्म करेगी ये क्या है हमारे पास मैंडेटरी इंजंक्शन है यानी कि शेल का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट एक्ट सो ये थी फोर काइंड ऑफ इंजंक्शन जिसमें टेम्पररी परपिचुअल प्रोहिबिट्री और मैंडेटरी इंजंक्शन So, ये थी हमारी आज की डिस्कशन इंजंक्शंस और उसकी काइंड के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लॉ गेट के हवाले से और आपके लाइसेंस के इंटरव्यू में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं सो आई होप कि आपका ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल